तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट। अब हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के बारे में देख लेते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले हम पढ़कर आए अपने पीछे पिछले लेक्चर में कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न डिजाइन क्रिएशनल पैटर्न है। क्रिएशनल पैटर्न की टाइप्स है जिसमें फैक्ट्री पैटर्न और बिल्डर पैटर्न भी आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न जो सिमिलर होता है वो फैक्ट्री पैटर्न से होता है। दीज आर बोथ टू डिफरेंट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न एंड फैक्ट्री पैटर्न, ये दोनों अलग अलग चीजें। हम इनको नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है फ्रेमवर्क जो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकें एक जनरल पैटर्न के अंदर, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं पिछली स्लाइड्स में। और कंक्रीट फैक्ट्री हम इससे डिजाइड करते हैं कि हमें कंक्रीट फैक्ट्रीज, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें प्रोड्यूस करके देंगी। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज मौजूद है वो हम डिस्कस करेंगे उसमें कि वो क्लाइंट होती है। क्लाइंट से जाहिर सी बात है अगर फैक्ट्री में कोई चीज आई भी होगी वो क्लाइंट के लिए बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से आपका क्लाइंट के लिए बनाया जाता है, तो हम उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के स्ट्रक्चर में आती है वो क्लाइंट है। द नेक्स्ट थिंग इज क्लाइंट दो चीजें प्रोड्यूस करवा रहा होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न और एक इंटरफेस, सॉरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और इंटरफेस प्रोड्यूस करा रहा होता है, उसमें प्रोडक्ट ए मौजूद होती है। अब ये दो चीजें प्रोड्यूस करा रही होती हैं कंक्रीट फैक्ट्रीज, जिसके अंदर आपकी जो क्लाइंट की डिफाइन की भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो मजीद क्रिएट हो रही होती हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम यूजेज बताते हैं, आगे जाके और मजीद क्रिएट हो रही होती हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं बकायदा कंक्रीट क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज जो इंटरफेस होता है उसके जरिए प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, पर यूज करते हुए इंटरफेस को, और कंक्रीट फैक्ट्री से आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो बन रही होती हैं। अभी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे, एक सिनेरियो दिया हुआ हो गया कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमारे पास कोई सिनेरियो आ जाए। स्ट्रक्चर बताने का बेसिकली मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि कंक्रीट जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है वो किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट थिंग, एक और इंटरफेस, दो प्रोडक्ट्स होंगे, कोई भी दो प्रोडक्ट्स आपको सिनेरियोज में दिए होंगे उनसे भी मजीद प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे होंगे। जैसे ए एक्स से कंक्रीट फैक्ट्री से जो है वो रिलेट करेगा, और प्रोडक्ट बी तो ए वाई ये इससे जो है वो रिलेट करेगा। इसी तरीके से बी एक्स और बी वाई प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे जो हमारे यूजुअली इंटरफेस से ताल्लुक रखते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो है वो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हम डिक्लेयर करेंगे मेन ऑपरेशंस जिससे हम क्रिएट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स। आप यहां देख सकते हैं ये जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है हम इससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कंक्रीट फैक्ट्री के अंदर। कंक्रीट फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं ऑपरेशंस जो गिवन होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में कि बेसिकली वो क्या फंक्शन करवाएंगे। प्रोडक्ट फैक्ट्री में डिफाइन कराएंगे हम प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स को कि वो मजीद जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करे, इम्प्लीमेंट जो हो रहा होता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से उनको वो क्रिएट करे। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंक्रीट फैक्ट्री क्रिएट कर रही है हमारे प्रोडक्ट्स को बाय यूजिंग क्लाइंट एंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट थिंग क्लाइंट होगा, और क्लाइंट का हमने जिस तरीके से बात की कि जो मेन क्लास होगी हमारी उसमें तमाम चीजें जो है वो डिफाइन हुई होंगी कि बेसिकली व्हाट क्लाइंट नीड, क्लाइंट किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाह रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हमारे पास एक सिनेरियो होगा।